गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कुर्ती का नेक डिज़ाइन बनाने सिखाऊंगी, जिसके लिए हम कुछ बटन्स यूज़ करेंगे और कुछ स्क्वेयर पीसेस जो कि हमने 2.5 इंचेस के कट किए हैं उसका यूज़ करेंगे और क्रॉस फैब्रिक यूज़ करेंगे फॉर पाइपिंग। यहाँ मैंने नेक कट करने के लिए पेस्टिंग बुकरम ली है, जिसकी लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई है 9 इंच। अब इसे फोल्ड करेंगे। नेक विड्थ रखेंगे 3 इंच और डेप्थ रखेंगे 7.5 इंच। और अब हम नेक शेप मार्क करेंगे कुछ इस तरह से। नेक शेप मार्क करने के बाद अब इसे कट करेंगे। अब हम नेक की बाहर वाली साइड 1.25 इंच का बॉर्डर मार्क करेंगे और बॉर्डर मार्क करने के बाद इसे कट करेंगे। अब नेक कट हो गया है और अब हम इसे फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। नेक पेस्ट करने के बाद हम कॉर्नर्स पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे फोल्ड करेंगे और कच्ची सिलाई लगाएंगे। नेक डेप्थ रखेंगे 7.5 इंच और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। मिडल में कट लगाएंगे। अब हम पाइपिंग के लिए जो क्रॉस फैब्रिक पट्टी ली थी वो लेंगे और नेक की सीधी तरफ रखेंगे और फैब्रिक के किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। और नेक के जितने एरिया में हमने पाइपिंग लगानी है उतने एरिया में हम ये सिलाई लगाएंगे। हमने पाइपिंग ये स्लिट की लेंथ तक लगानी है, इसलिए यहाँ से हम पाइपिंग पट्टी कट कर देंगे। इसे फोल्ड करेंगे और सीन कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम इसे उल्टी साइड पलटाएंगे और पाइपिंग निकालेंगे। और यहाँ हम सिलाई बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ लगाएंगे और पाइपिंग को फिनिश करेंगे। पाइपिंग लगने के बाद इनर साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करेंगे। अब हम फैब्रिक स्क्वेयर पीसेस लेंगे और उसे ट्रायंगल शेप में 2 बार फोल्ड करेंगे और फिर दोनों साइड से फोल्ड करके एक लूप रेडी करेंगे। और नेक के जितने एरिया में हमने पाइपिंग नहीं लगाई वहाँ पे हम ये लूप्स लगाएंगे। लूप्स लग गए हैं और जो लूप्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। अब हम कुर्ती का फ्रंट साइड लेंगे और उसे उसके उल्टी साइड पे हम नेक रखेंगे और मिडल में सिलाई करेंगे।
ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम नेक की शेप के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और कॉर्नर्स पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम नेक को कुर्ते के सीधी तरफ पलट देंगे और किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगने के बाद हम जो पाइपिंग के साथ वाली सिलाई है वो कंप्लीट करेंगे और उससे पहले हम कुर्ते के मिडल में मार्क करेंगे ताकि जो हमने जो एक्स्ट्रा स्लिट रखी है वो बिल्कुल मिडल में आ सके। हम स्लिट पे हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब हम पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम कुछ बटन्स लेंगे और नेक के बॉर्डर्स और स्लिट पे लगाएंगे। ये नेक बनके रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।